नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की परमाणु इकाई और प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से हाल ही में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने जाने पर रणेश राणा का प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु के सर्किट हाउस में भव्य स्वागत का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रदेश कार्य समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया। इसमें संगठन हित में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हिमाचल प्रदेश के महामंत्री किशोर ठाकुर, संगठन मंत्री गोपाल दत्त शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और नवनियुक्त प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमित शर्मा, अध्यक्ष अमित ठाकुर, राजेंद्र मेहरा, विमल ग्रोवर, बंसी बाबा, कृष्ण डोडा, टेकराज, नितिन साहू, सुंदरलाल समेत बद्दी प्रेस क्लब के सदस्य, ऊना प्रेस क्लब के सदस्य और प्रदेश से आए हुए 35 पत्रकारों ने बैठक में हिस्सा लिया। राजगढ़ से हमारे संवाददाता डीडी शर्मा की रिपोर्ट। मिला है, स्वागत हुआ है, आज क्या कहेंगे इसमें? आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की बैठक परमाणु विश्राम गृह में हुई और जो 2023 का इसमें खाका खींचा गया संगठनों को मजबूत करने के लिए, जहां तक राष्ट्रीय दायित्व था, एक ही बैठक अभी जो है चंडीगढ़ में हुई है, इस महीने मई में वो दिल्ली में बैठक है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो माननीय रास बिहारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में और बेहतर तरीके से उठाएंगे। अभी हमारे पास नया दायित्व है, अभी हम सीख भी रहे हैं। और जहाँ तक प्रदेश की बात है, आज सुमित शर्मा जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी का और नवीन सूद जी को जो प्रदेश सचिव जी का और भारत भूषण जी प्रदेश सचिव, तो ये नए दायित्व दिए गए हैं। और कसौली में जो टेकचंद जी जो है उनको संयोजक बनाया गया, सुंदरलाल जी को जो है वहाँ संरक्षक बनाया है। और जो इकाइयाँ अछूती है उसमें जो है सदस्यता अभियान और ज़्यादा तेज किया जाएगा ताकि जो हिमाचल में रह गया वो काम हो सके। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से मिले हैं चंडीगढ़ में। उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब हरियाणा की तर्ज पे जो पेंशन का मुद्दा है, जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड है और जर्नलिस्ट वेलफेयर बोर्ड है, जो हम मुद्दे उठाते रहे हैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा और आशा है कि 2023 में ये जो हमारा मुद्दा जो हल हो जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।